बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फायर कैप किस तरह हासिल करनी है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे सेटअप के बारे में, वेव्स के बारे में, और वेव्स में जो मॉन्स्टर आएंगे उनके अटैक स्टाइल के बारे में, उनको किस तरह किल करना है, उनका सेव स्पॉट और जेड के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जेड किल करने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फाइट केव स्टार्ट करने से पहले आप वो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रेयर किस तरह स्विच करनी है और कब करनी है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको एंड तक देखिएगा मुकम्मल डिटेल के लिए। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर कैप तो आपने देखी होगी, अगर आप स्टार्ट करें तो आपको यकीनन पता होगा था, लेकिन हम इनका कंपैरिजन देख रहे हैं। ये सेकंड बेस्ट कैप है गेम में, इससे जो अच्छी है वो इन्फर्नल कैप। तो आपको ये बेस्ट डिफेंस और इसके अलावा अदर स्ट्रेंथ और साथ ही प्रेयर बोनस और अटैक बोनस आपको मिलता है। इसके बाद बात करते हैं सेटअप के बारे में। तो स्क्रीन पे आप सेटअप देख सकते हैं, ये जो राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, ये सबसे अच्छा है। जैसा कि ये हेडवेयर में आप जो भी यूज कर सकते हैं वो यूज कर लें। मैं ब्लेस्ड जो कॉइफ यूज कर रहा हूं, नेक वेयर में जो भी आप यूज कर सकते हैं, ग्लोरी यूज कर सकते हैं, मेरे पास फ्री है। इसी तरह जो भी आप यहां से सेटअप आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो राइट साइड वाला है इसमें से जो भी यूज करेंगे वो सबसे बेस्ट है। आपको ज्यादा डिफेंस देगा, आपकी जो हिट है ज्यादा पड़ेगी। तो मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूं। ये मेरा सेटअप है और जो इन्वेंटरी है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं एक साथ लेके जा रहा हूँ सरेडोमन गॉडस्वॉर्ड, ये हम स्पेशल अटैक के लिए यूज करेंगे। इसका फायदा क्या है कि जब जितना आप डैमेज करेंगे उस हिसाब से ये आपके हिट पॉइंट और आपकी प्रेयर जो है ना वो रिस्टोर करेगा। और इसकी जो परसेंटेज है वो 50% और 25% है। अगर आप 40 डैमेज करते हैं तो आपके 20 हिट पॉइंट रिस्टोर हो जाएंगे और आपकी जो 10 प्रेयर है वो रिस्टोर हो जाएंगे। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं, आप 3 कॉम्बट के साथ भी जा सकते हैं उस फाइट केव में, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके 70 प्लस रेंज, 70 प्लस डिफेंस, 70 प्लस हिट पॉइंट और इसके अलावा 43 आपका जो है प्रेयर होना चाहिए। अब बात करते हैं मॉन्स्टर और बॉसेस के बारे में जो आपने वहां पे किल करने हैं। तो ये वाले जो बॉसेस हैं ये मुख्तलिफ वेव्स में आएंगे, इनको आपने किल करना है। 22, 45, 22 और 90, 180, 360 और 702 और 108। ये जो 22 लेवल वाला मॉन्स्टर है इसको आपने दूर से किल करना है। जब भी ये आपको हिट करेगा, इसका अटैक स्टाइल मेले हिट करेगा, आपके जो प्रेयर पॉइंट्स है ये ड्रेन करेगा, आपके प्रेयर पॉइंट्स कम कर देगा। अगर आपके हिट पॉइंट जाते हैं या नहीं जाते ये मैटर नहीं करता, जब भी आपको हिट करेगा आपके प्रेयर पॉइंट कम होंगे। ये वाला है, जब इसको आप किल करेंगे तो ये वाले 2 उसमें से अपीयर हो जाएंगे। इसका अटैक स्टाइल भी मेले, इसका 90 वाले का मेले और रेंज, और इसके अलावा जो 180 वाला है इसका भी मेले अटैक है। इसकी ये जो खसूसियत है ये अपने आप को हील कर सकता है और जो इसके पास मॉन्स्टर होंगे उनको भी हील कर सकता है। और इसके बाद 360 वाला ये मेले और मैजिक से आपको हिट करता है और इसका जो मैक्स हिट आपको डैमेज कर सकता है वो 54 तक कर सकता है। तो जब भी ये आएगा जिस वे में हमने प्रोटेक्ट फ्रॉम मैजिक लगा के रखना है। और इसके बाद बारी आती है जेड की, इसका जो मैक्स हिट है 97 तक, ये मैजिक रेंज और मेले से हिट कर सकता है। तो हम इसको दूर से रेंज से किल करेंगे और जो प्रेयर हम स्विच करेंगे मैजिक और रेंज।
और इसके बाद जब ये हाफ पे चला जाएगा, इसको आप हाफ किल कर लेंगे जेड को, तो ये वाले हीलर आ जाएंगे, ये जेड को हील करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने जल्दी से चार हीलर आएंगे, उनको आपने एक एक बार अटैक करके अपनी तरफ उनको माइल कर लेना है अपनी तरफ। लेकिन अगर आप इनको हिट नहीं करते और ये जेड को हील करना स्टार्ट कर देते हैं, या आप एक को या दो को हिट नहीं करते और एक दो को किल कर देते हैं और जेड फुल हेल्थ पे चला जाता है, और उसके बाद आप हीलर किल कर देते हैं और दोबारा जेड जब हाफ पे आएगा तो फिर ये चार रिपेयर हो जाएंगे। तो आपने इनको लाजमी हैंडल करना है, सबको हिट करें एक एक बार, और इसके बाद आप या तो इनको किल कर लें या सेफ स्पॉट बना के आप जेड को किल करना स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे सारा ब्रेकडाउन लिखा हुआ है वेव्स के बारे में, फर्स्ट वेव पे कितने लेवल वाला आएगा, जो सेकंड पे, थर्ड पे, जहाँ पे रेड पॉइंट है उनको आप जरा जेहन में रखिएगा कि वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक प्रेयर चेंज करनी होगी या आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ये सारी डिटेल भी निकाल सकते हैं। और इसकी जो 63 वेव्स हैं और जो आखिरी वेव है उसमें जेड आएगा, और उसको जब आप किल कर लेंगे तो आपको फायर कैप मिल जाएगी। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेव की डिटेल के बारे में, आप वहां से निकाल लीजिएगा। जब भी आप स्टार्ट करेंगे फाइट के तो आपको इसको सामने रखिएगा। अब बात करते हैं सेव स्पॉट के बारे में। तो ये मैप है फाइट केव का, इसमें तीन सेव स्पॉट हैं, ये एक यहाँ पे सेव स्पॉट है, एक यहाँ पे सेव स्पॉट है और एक यहाँ पे। यहाँ से हम एंटर होंगे और ये इस एरिया पे, अगर यहाँ से एक इधर से मॉन्स्टर आता रहेगा इधर से, और यहाँ पे आप अपना सेव स्पॉट बना सकते हैं। यहाँ पे एक रुक जाएगा कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप सेफ स्पॉट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मॉन्स्टर रुक जाएगा और यहाँ पे आप सेफ स्पॉट बना सकते हैं यहाँ पे खड़े होकर। और जो तीसरी सेफ स्पॉट है वो ये जगह है, इस जगह पे आप सेफ स्पॉट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं कोई भी वेव स्किप नहीं करूंगा ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल सके, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अब बात करते हैं जेड के बारे में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपने जेड को किल करने की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। तो ये जेड है, अगर हम एक तो हम इसको रेंज से किल करेंगे, इसके पास नहीं आएंगे ताकि हमें ये मेले से हिट ना कर सके, और हमने दो प्रेयर स्विच करनी है, एक रेंज से और एक मैजिक से। अगर आप सही प्रेयर स्विच कर लेते हैं तो आपको ये एक भी डैमेज नहीं कर सकता। तो आपने बस ये ध्यान रखना कि आपने प्रेयर सही जो स्पीच की है। तो मैं आपको अटैक और इसका जो रेंज का अटैक और मैजिक अटैक दोनों के बारे में बता देता हूँ एनिमेशन में। अगर ये जल्दी से दोनों अपने आगे वाले हाथ जमीन पे मारे, नीचे मारे, तो ये रेंज अटैक है और ये वाला मैजिक अटैक है। अगर ये अपने दोनों हाथ थोड़ी देर ऊपर उठा के नीचे मारेगा तो उसका मतलब है ये वाला जो मैजिक अटैक है। तो आपने जब एनिमेशन स्टार्ट होगी तो आप उसी से देख सकते हैं ये वाला रेंज अटैक है और ये वाला मैजिक अटैक है। आप आवाज से भी इसको सुन के प्रेयर को स्विच कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों अटैक की जो आवाज है वो भी सुना देता हूं। ये वाला रेंज मैजिक अटैक, मैं दोबारा सुना देता हूं, और ये वाला रेंज अटैक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको ओपन करेंगे और वहां पे प्रैक्टिस कर सकेंगे। मैं इसको ओपन करता हूं, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने प्रेयर पे क्लिक करना है और स्टार्ट फाइट कर देंगे। ये वाला मैजिक अटैक है, ये भी मैजिक अटैक है, वही सीन। अगर जल्दी से हाथ मारेगा तो वो रेंज अटैक होगा,
अगर वो थोड़ी देर ऊपर अपने हाथ उठा के रखेगा, ये वाला रेंज अटैक, तो वो मैजिक अटैक होगा, ये भी मैजिक अटैक। अगर आपको खुदा ना खासा कोई हिट पड़ जाती है, एक चीज तो आपने ये करनी है कि आपने अपनी प्रेयर को स्विच करते रहना है, अदरवाइज आपको दूसरी भेंट पड़ जाएगी। और साथ साथ आपने फूड भी यूज करनी है। मैं एक किट इसको रॉन्ग करके तो इसका डैमेज करके देखते हैं। और इसके अलावा आपने शॉर्ट कीज यूज करनी है इन्वेंटरी के लिए और अटैक के लिए। ये देखिए, ये इसको अब हिट पड़ेगी। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपने साथ साथ कैसे हील करना है और साथ साथ आपने इसको किल करते रहना है। ऐसे आपने खुद को जल्दी से हील अप करना है। तो उम्मीद है कि ये वाली जो प्रैक्टिस है आपके काफी काम आएगी। इसके अलावा आप दो या तीन रेंजिंग पोशन ले ले साथ, सेरेडोमिन ब्रू, अपने आप हिट पॉइंट को रिस्टोर करने के लिए। ये आपको डिफेंस और हिट पॉइंट आपके बढ़ाएगा, लेकिन आपके अटैक, स्ट्रेंथ, डिफेंस, मैजिक कम कर देगा। तो इसके लिए हमें साथ हम सुपर रिस्टोर लेके जा रहे हैं। जब भी हम इसको यूज करेंगे, इससे हम रिस्टोर करेंगे। और इसके अलावा जो आपने प्रेयर पोशन है, अपने प्रेयर के लेवल के मुताबिक कम या ज्यादा करनी है। मेरे 92 है तो मैं थोड़े कम लेके जा रहा हूँ। अगर आपके ज्यादा लेवल कम है तो आप थोड़े ज्यादा लेके जाइएगा। और इसके अलावा मेरे पास होली रेंज, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये भी साथ लीजिए, ले जाइएगा। इससे जब भी आप प्रेयर पोशन या रिस्टोर पोशन यूज करेंगे तो आपके जो 1, 2 से 4 या 5 पॉइंट ज्यादा आपको मिलेंगे प्रेयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फास्ट मेथड है वहां पे जाने का, वो आप मिनी गेम टेलीपोर्ट यूज कर सकते हैं, ये वाला फाइट क्विट वाला। वो आपको इस जगह पे, यहां पे लेके आएगा। तो ये सबसे फास्ट मेथड है। इसके बाद आपने किस जगह पे जाना है, मैप में आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप टेलीपोर्ट करके आएंगे और इस जगह पे आपने आना है, ये वाली केव। अगर आप किसी वजह से मिनी गेम टेलीपोर्ट नहीं कर सकते तो एक दूसरा टेलीपोर्ट आप कर सकते हैं, ग्लोरी से, आमलेट ऑफ ग्लोरी से आप क्रामजा टेलीपोर्ट करेंगे और इस जगह पे आएंगे। यहाँ पे एक डंजन है और इसमें एंटर होने के बाद आप इस केव में एंटर होना है आपने, और इसके बाद आपने इस जगह पे आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर वेव में मैं आपको बताता जाऊंगा ब्रेकडाउन कि किस वेव में, इस वेव में 22 वाला एक शो होगा, ये देखिए। दूसरी वेव में 2 22 वाले शो होंगे। एक 45 वाला यहां पे शो होगा। आपने देखा जैसे उसने एक हिट किया, हमें एक जो प्रेयर पॉइंट है कम हो गया, हिट पॉइंट तो नहीं गया, एक प्रेयर का जो हमारे पॉइंट है वो कम हो गया। एक और चीज, आपने ऑटो रिटेलिएट ऑफ कर रखा। अब एक 22 वाला और एक 45 वाला। अब
अब 2 22 वाले और 1 45 वाला। ऐसे आप सेव स्पॉट भी बना सकते हैं। तो कोशिश करनी है आपने सबसे पहले जो 22 वाला है उसको किल करना है। अब 2 45 वाले आएंगे। इसके अलावा मैं ब्लो पाइप में डार्ट यूज कर रहा हूँ, रूने रून डार्ट यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो एडमैनेट कर सकते हैं, मिथ्रल कर सकते हैं, जो भी आप होल्ड कर सकते हैं। इससे थोड़ा आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी और डैमेज भी ज्यादा हो जाएगा। अब एक 90 वाला रेंज वाला आएगा, आपने यहाँ पर रेंज लगा दी। अगर आपका डिफेंस अच्छा है तो चाहे तो रहने दें। अब एक 22 वाला और एक 90 वाला। अब 2 22 वाले और 1 90 वाला। वे ब्रेकडाउन आप नीचे लिंक मैंने दिया हुआ, उसमें से भी आप देख सकते हैं। इसमें एक 90 वाला और एक 45 वाला। इसके बाद इसमें एक जो नेक्स्ट वेव आएगी 11 वेव, उसमें एक 22 वाला, एक 45 वाला और एक 90 वाला। सेव स्पॉट का आपको बता दूं थोड़ा सा। तो इस जगह से हम एंटर हुए हैं, एक सेफ स्पॉट हम यहां पे बना सकते हैं, एक हम सेफ स्पॉट यहां पे बना सकते हैं और एक सेफ स्पॉट हम यहां पे बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां पे आके खड़े हो जाएंगे तो ये सेफ स्पॉट है। कोई मॉन्स्टर इधर से भी आएगा तो ये वो यहां पे अटक जाएगा। और अगर ये वाला मॉन्स्टर इधर से आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपने कैसे क्या करना है, इसको पहले थोड़ा इस साइड पे ले आए और फिर वापस इस जगह पे चले जाएं। ये देखिए, ये हमारा सेफ स्पॉट। अब हमें वेव 15 पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहां पे अब एक 180 वाला आएगा।
इस पे हम स्पेशल अटैक करेंगे और इसे हम अपने जो है ना प्रेयर पॉइंट रिस्टोर करेंगे। ये देखिए हमारे जो हिट पॉइंट भी रिस्टोर हो गए और प्रेयर भी। एक और चीज, आपने शुरू करने से पहले अपनी जो सेटिंग है वो कर लेनी है। शॉर्ट कीज है इन्वेंटरी पे, जैसे मैंने F1 यहां पे लगाया हुआ, और इसके अलावा प्रेयर पे F2, ताकि जब आप जेड के साथ फाइट करेंगे तो जल्दी से इन्वेंटरी और प्रेयर पे स्विच कर सकें। भाई से आपने रेंज लगा लेना है, इसको पहले किल कर लें और दूसरे को सेफ स्पॉट बना लें। आप एक और तरीके से भी सेफ स्पॉट बना सकते हैं ऐसे, ये देखिए। यहां पे आप सेफ स्पॉट बना सकते हैं इस जगह पे।
इसके बाद जैसे ही ये वेव खत्म होगी, आपने खत्म होने से पहले ही आप जैसे ही खत्म होगी आपने प्रोटेक्ट फ्रॉम मैजिक लगा लेना है, और आपने एंड तक ये वाली प्रोटेक्शन, जब तक आप सेव स्पॉट पर ना हो वो 360 वाले से, आपने प्रोटेक्ट फ्रॉम मैजिक खत्म नहीं करनी। और इसको आपने डिस्टेंस से किल करना है, थोड़ा फासला रखना है, अदरवाइज आपको ये मेले हिट भी करेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद जो 38 वेव आएगी उस पे आपने ध्यान रखना है, वहां पे एक वहां पे एक 90 वाला और एक 360 वाला आएगा, तो आपने दोनों को ध्यान में रखना है। आपके हिट पॉइंट थोड़े रिस्टोर आपने कर देने हैं पहले से। Thank you.
आपने पहले रेंजर को किल करना है। फाइव ए पे 290 वाले आएंगे, तो आपने अपने जो हिट पॉइंट है इनको थोड़ा अबाव कर देना है। और पहले आपने रेंजर्स को किल करना है।
वे में दो रेंजर जाएंगे, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना आपकी हिट पॉइंट थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। और 46 वे पे एक 360 वाला आएगा और 180 वाला पहले वाला आएगा। Hello.
Thank you.
इस वेव में दो रेंजर जाएंगे तो आपने बी केयरफुल रहना है। नेक्स्ट वेव में दो 180 वाले आएंगे, उनसे भी आपने बच के रहना है। Thank you.
इस वेव के बाद दो 360 वाले आएंगे और उनमें से एक जो है वो येलो कलर का होगा, जो येलो कलर का होगा वहां पे जेड आएगा। तो हम दरमियान में आ जाते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके कि जेड कहाँ पे आएगा। तो इस जगह पे जेड आएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से इस जगह पे आ जाए। वो हो सकता है कि जेड यहाँ पे आके स्टक हो जाए और इसके बाद इसको किल करने से पहले अपने आप हिट पॉइंट रिस्टोर कर लें, अपनी प्रेयर जो है इसको अपडेट कर लें, कंप्लीट कर लें इसको। जब हीलर आएंगे तो आपने ये जो अटैक है इसको लॉन्ग रेंज कर लेना है, अदरवाइज वो जेड के पास चला जाएगा और आपको वो मेले से हिट करेगा। तो जब भी आपने हीलर पे अटैक करना है सबसे पहले इसको लॉन्ग रेंज कर लेना। ये देखिए यहां पे आ गया जेड। तो ये हमारी फाइनल वेव है, ये है जेड, इसके 702 लेवल है। अगर आप इसको डिफीट करेंगे तो आपको फायर कैप मिलेगी। तो यहां पे थोड़ा सेफ स्पॉट बन गया है, अगर आपको कोई हिट पड़ेगी तो हम यहां पे आके खुद को हील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो अटैक है वो इसका रेंज का होगा। जैसा कि हीलर्स आ गए, हमको इनको इस तरफ लेके आगे और यहां पे अब इनको किल कर लेंगे। ये भी खुद को भी हील कर सकते हैं।
अब इसका कोई आइडिया नहीं है, देख के आपको पता चलाना पड़ेगा कौन सा ये अटैक करता है, जल्दी से वो वाली प्रेयर लगाएंगे। रेंज रेंज मैजिक रेंज मैजिक मैजिक रेंज रेंज मैजिक। ग्रेट यस। तो जैसा आपने देखा कि हमने बड़ा इजी जो है ना जेड को किल कर लिया। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अक्सर लोग दूसरों को पैसे देते हैं फायर कैप लेने के लिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहली बार में कभी भी कोई कामयाब नहीं होता, तो कोशिश करें। अगर नाकाम हो जाए तो फिर से थोड़े से लेवल अपने बढ़ा के फिर से ट्राई करें, दो तीन ट्राई में आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो फायर कैप आ गई और साथ में ये कुछ करेंसी है। उम्मीद है आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।